अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, जहाँ पे भी रहें खुशियाँ आपको मुकद्दर हों और गम आपसे दूर भाग जाएं। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था पीच ब्लीच क्रीम का रिव्यू, तो अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रॉक्सी ब्लीच क्रीम। वो भी पॉलर साइज़ थी और ये भी पॉलर साइज़ है। अगर आप ये जो पॉलर साइज़ क्रीम ब्लीचेस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके घर में फ़ीमेल ज़्यादा हैं और आप चाहते हैं कि आपको बार बार साशे ना आप यूज़ करें और एक ही आप ला के पैक रख लें, तो आप पीच ब्लीच क्रीम भी ला सकते हैं। और ये रॉक्सी ब्लीच क्रीम जो है, ये हमने रखी हुई है सेंसिटिव स्किन के लिए। जो पीच ब्लीच क्रीम है वो आप यूज़ कर सकते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए, लेकिन उसकी पाउडर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना वर्क ठीक तरह नहीं कर पाती। रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको ज़्यादा सेंसिटिव फेस पे लगा के रिस्क ना लें। तो अगर आपके फेसेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और आप इसके लिए साथ कोई सेंसिटिव ब्लीच यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए रॉक्सी ब्लीच क्रीम जो है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है प्राइस भी इसकी। और ये वैसे भी इसमें एलोवेरा है, तो वो आपके फेस के लिए सेंसिटिव फेस के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। दूसरी बात ये है कि ये जो दोनों ब्लीचेस हैं उसकी मैंने आपको बताया था कि प्राइस जो है वो 520 से लेके 620 तक मिलती है, और ये अब आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे मिलती जॉइंट पैक। और ये जो है इसकी जो जॉइंट पैक की प्राइस है वो आपको 850 से 900 तक मिलेगी, 850 से कम मिल सकती है, 800 तक में भी कहीं आपको मिल जाए, अलबत्ता ये इसकी प्राइजेस हैं, ठीक है। लेकिन इनमें क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी स्टार्ट की है, कल ही स्टार्ट की है ये वाला पैक जो स्टार्ट की है। तो बाकी पैक्स ला के रखे हुए हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं जब पहला वाला ख़त्म हो जाता है। तो अभी ये कल स्टार्ट की, इसके साथ ये वाले जो टू पाउडर्स होते हैं इसके, और इनके जो इसके जो पाउडर के दाने हैं वो पीच के पाउडर के दानों से ज़रा बारीक हैं, लेकिन आपने मिक्स इनको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये आप सेंसिटिव फेस पर लगा सकते हैं, इसी वजह से इसकी और उसकी प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन इनकी क्वांटिटी दोनों की सेम है। और कलर में फ़र्क है, वो येलो कलर में है, वो पीच आपको पता है येलो होता है तो वो येलो शेड में है, लेकिन ये एलोवेरा है तो एलोवेरा में वाइट है, तो ये वाइट शेड में। और ये जो है ये भी हल्की हल्की फेस पे लगा के आर्म्स पे लगा के फूल जाती है, इसको भी आपने स्मूथ करते रहना ब्रश के साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद, और जब तक आपको फील ना हो कि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिला है तब तक आपने इसको रिमूव नहीं करना। और इसमें भी आपने वाइटनिंग वाली वो चीज़ें डालनी है, अगर आपने वो देखनी है तो कौन सी हैं आप वो वीडियो सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे, तो उससे आपको इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, उसका भी बहुत अच्छा है। बस फ़र्क ये है कि वो सेंसिटिव फेस पर नहीं लगनी, ये सेंसिटिव फेस पर लग जानी है, इसको आप अप्लाई कर। ये इसकी पैकिंग है, टू पाउडर्स हैं इसके साथ, ये इसकी बकेट है ये वाली ब्लीच वाली, ठीक है। और प्राइजेस की मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि प्राइजेस की जो है वो आपको 800 से लेकर 900 तक ये मिल जाएगी, और ये पीच से इसीलिए महंगी है क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे अप्लाई हो सकती है, तो आप इसको ला के रख लें। अगर एक फैमिली में ज़्यादा फीमेल्स हैं ना, तो फिर आप इकट्ठी ये ला के रखा करें जॉइंट पैक्स, इसमें आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। साशे जो हैं आप वो लेके आएँ या छोटे पैक लेके आएँ, उसकी निस्बत इसमें डबल क्वांटिटी में ब्लीचेस होती हैं, और ये आपको बहुत बेनिफिट देगी अगर आप इसको यूज़ करें और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें और आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपको ये फ़ायदा दे, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।